तो पिज्जा डोसा खाने के बाद हम आ गए यहाँ पे चाय पीने, और चाय के शॉप का नाम आपने देखा जॉबलेस चाय वाली। तो अभी चटोरी गली में चाय पी रहे हैं जॉबलेस चाय वाली शॉप स्टॉल पे। तो चाय अच्छी है यहाँ की। तो हमने तो चाय पी लिए हैं, अभी भाई ये पी रहे हैं, आप बताइए कैसा टेस्ट है। जितने लोग जॉब नहीं कर रहे सारे लोग यहाँ पे चले जाओ चाय पीने के लिए जॉबलेस चाय वाली के पास। जॉबलेस चाय वाले के यहाँ चाय भाई बहुत ही बेहतरीन मिलता है, सारे क्रिएटर यहीं पे आते हैं हम लोग। तो आप लोग भी अगर क्रिएटर वाला चाय पीना चाहते हो तो जॉबलेस चाय पे जरूर एक बार आओ, विजिट करके देखो, चाय अच्छा नहीं रहेगा तो फिर चाय मेरे मुँह में बस। तो हमने तो चाय पी ली है, लेकिन आपको दिखाते हैं जॉबलेस चाय वाली जो मैडम है उनसे मिलाते हैं आपसे, और पूछते हैं सवाल। तो यही मैडम है जॉबलेस चाय वाली। हेलो मैम। हेलो सर। क्या नाम है आपका? पूजा यादव। पूजा यादव। तो ये शॉप का नाम आपने ऐसा क्यों रखा है जॉबलेस चाय वाली? जॉब छोड़ने के बाद मैंने इसका नाम जॉबलेस रख दिया। अच्छा, चलो बढ़िया है। और कितना दिन से यहाँ पे आपका शॉप है? दो साल होने का, मतलब कंप्लीट हो जाएगा नवंबर में, मुझे दो साल हो गए हैं। अच्छा, दो साल से है। तो हमने यहाँ की चाय पी ली, बहुत ही अच्छी चाय थी, स्वादिष्ट थी। और मैम पढ़ाई करने के बाद जॉब ढूंढ रहे थे तो नहीं मिला, तो उन्होंने ये चाय का स्टॉल लगा दिया है, इसलिए इन्होंने नाम रखा है जॉबलेस चाय वाली। तो आप लोग यहाँ की चाय पिए तो कमेंट करके बताएं, और नहीं पिए हैं तो लखनऊ में आके पी सकते हैं चटोरी गली में। तो इसी के साथ में ये ब्लॉग को ये एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।